हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सिलोलिज्म। सिलोलिज्म जिसे हम लोग सिलॉक्स भी कहते हैं। इस सिलोलिज्म को में जो एग्जाम में आते हैं हमारे, वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली सिलोलिज्म है क्या, ये एक स्टेटमेंट रहता है। बेसिकली टू या टू से ज्यादा स्टेटमेंट के साथ, और उनके कुछ कंक्लूजन दिए रहते हैं। अब उन स्टेटमेंट्स को आप देख के आपको कंक्लूजन को ट्रू या फॉल्स में जवाब आपको आंसर देना रहता है। तो ये जो जब आप सिलोलिज्म स्टार्ट करें, तो आज हम इसके बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक चीज जो हम लोग यूज करेंगे वो है वेन डायग्राम। हम लोग सिलोलिज्म को वेन डायग्राम से यूज करेंगे, वेन डायग्राम से बनाएंगे। और जो फर्स्ट है हमारा, वो हम लोग यूज करेंगे वेन डायग्राम। और सेकेंड है कि जो भी हमारा दिया हुआ है स्टेटमेंट, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ है सम कैट्स आर डॉग और ऑल कैट्स आर डॉग और सम ए आर बी और ऑल ए आर बी, तो हम उस कथन, वो हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमेशा ही ट्रू रहेगा, ठीक है। उसको आपको ट्रू मान के ही चलना पड़ेगा आप, और आप उसके जो ट्रूथफुलनेस है, जो उसकी सच्चाई है, उसके बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे। इट मीन्स कि जो हमारा स्टेटमेंट में दिया रहेगा उसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है खुद से, वो हमारा जो दिया है हमें उसे सही मानना पड़ेगा। यानी कि जो हमारा कथन है, जो हमारा स्टेटमेंट है वेन डायग्राम में, वो हमेशा ही ट्रू रहेगा। और उसके बाद जो स्टेटमेंट रहता है हमारा, वो बेसिकली 1, 2 या आजकल जो आते हैं वो 3, इन 3 स्टेटमेंट से हमारा जो है वो एक सिलोलिज्म का स्टेटमेंट बनता है। और उसके बाद 1, 2 ये कंक्लूजन, 1, 2, 3 जितने भी चाहे, बेसिकली 2 कंक्लूजन हमारे रहते हैं इसमें। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का ये पूरा पोर्शन जो है क्या कहलाता है, सिलॉक्स कहलाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सिलोलिज्म को वेन डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले जो उसका फर्स्ट वर्ड है वो है, सपोज कीजिए मैं लिखती हूँ ऑल ए आर बी, ठीक है। ये जो ऑल ए आर बी है, इसे हम वेन डायग्राम में बनाएंगे कैसे। तो मान लीजिए ये ए है, ओके, अगर ये ए है तो ये सारा ही ए बी होना चाहिए। तो जो बी का पोर्शन होगा वो डेफिनेटली ए से बड़ा होगा। तो उससे क्या होगा, ये जो ए का जो ये पोर्शन है, ओके, ये जो पोर्शन ए का है ये हमारा बी के अंदर है। अगर हम इस ये जो हमारा राउंड किया हुआ उसको अगर हम लोग बी माने, तो ये जो हमारा ए है ये सारा का सारा ए का पोर्शन जो है ये बी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बेसिक वेन डायग्राम हुआ, ओके। जब भी कभी हमें क्वेश्चंस में आए कि ऑल ए आर बी, ऑल कैट आर डॉग, ऑल रेन आर फ्लूट्स, कुछ भी आ जाए, ठीक है, वो स्टेटमेंट हमारा हमेशा ही सही होगा। और उसका जो हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, उसमें जो हमारा ऑल का पोर्शन है, जो ऑल के साथ वर्ड अटैच है, वो हमारा अंदर रहेगा। और उसके बाद उसके बाहर उस पोर्शन को जो ऑक्यूपाई किया है, वो जो सेकंड उसका जो नंबर है, यहाँ पे हमारा जो बी है वो उसके बाहर से एक सर्कल ड्रॉ होगा। जनरली जब भी आप इस तरह का स्टेटमेंट देखेंगे तो इस तरह से वेन डायग्राम का फिगर को ड्रॉ करेंगे। बट जब हम लोग हार्ड केस में आते हैं, जब पॉसिबिलिटी वाला केस होता है, तब हम लोग सोच सकते हैं, मान लीजिए ये ए है, ओके, ये ए है और इसी के ऊपर एक आप चला दिए, और मान लीजिए कि ये बी है। देखिए इस पोर्शन में भी क्या है, ये ए है और ये हमारा बी है, एक मिनट, ये हमारा ऊपर से चला गया बी है। तो यहाँ पे ए का पूरा पोर्शन हमारा बी हो गया और बी का पूरा पोर्शन हमारा ए हो गया। ये हमारा पॉसिबिलिटी वाले केस में हम लोग करेंगे, यानी ये हमारा एडवांस केस है। बट जनरली जो है हम लोग फर्स्टली जो है, जब हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं, तब हम इस वेन डायग्राम को हमेशा यूज करेंगे। और इस बेसिक्स के जो ये वेन डायग्राम है इसको ही हम लोग यूज करेंगे। ये देखिए मैं एक बार फिर बता देती हूँ, ऑल ए आर बी, तो ए हमारा अंदर रहेगा और उस ए का सारा ही पोर्शन हमारा बी में रहेगा। वैसे ही एक एडवांस जो पॉसिबिलिटी वाले केस में हमारा ये
फिगर भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें ए और बी जो है वो इक्वल्स रहेंगे, यानी अभी भी ए का पूरा पोर्शन जो है वो बी में रह सकता है। देख लीजिए, ये हमारा फिगर वन हो गया, ये फिगर टू हो गया। हम लोग हमेशा इस बेसिक्स को यूज करेंगे और जो पॉसिबिलिटी या जो हमारा थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होगा उसमें हम इस केस के बारे में सोचेंगे। चलिए, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था, ऑल ए आर बी। आप लोगों ने इसे अच्छी से समझ गया होगा और इसके फिगर को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे ये भी आप लोगों ने समझ के आप लोगों ने समझा होगा। चलिए, जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो है, सेकंड स्टेटमेंट पे जाते हैं, सम ए आर बी। ओके, सम ए आर बी, ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखिए इसमें ए को हम लोग लिखेंगे पहले। ठीक है, ये हमारा ए हो गया। अब बी है, उसका ए का कुछ पोर्शन हमारा बी में है, यानी कि हमारा जो ए और बी मिलेगा जो उसका कुछ पोर्शन जो है ए का वो हमारा बी में होना चाहिए। तो बी को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा उसे ए के अंदर ले जाते हुए बी को लिखेंगे और ये हमारा बी हो गया। अब जो ये पोर्शन है हमारा, ये जो हमारा पोर्शन है ये हो गया सम ए आर बी। ये पोर्शन हमारा देखिए हो गया सम ए आर बी। ओके, यहाँ पे जो ए का पोर्शन है और ये वो ही पोर्शन बी का है, यानी कि कुछ ए का अंश जो है वो बी में है। देखिए, ये हमारा अगेन बेसिक हो गया, बेसिक फिगर हो गया। जब हम पॉसिबिलिटी वाले केस में जाएंगे तब देखिए हमारा ये ए होगा। ठीक है, और हो सकता है कि हमारा ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया। ठीक है, इसमें देखिए सम ए आर बी, इसमें भी हमारा ए का ये हमारा पूरा पोर्शन ए ही है। ठीक है, इसमें क्या है, ऑल बी आर ए हो रहा है, लेकिन ऑल बी आर ए के साथ साथ क्या हो रहा है, ऑल ए आर बी है। ठीक है, इसमें सॉरी ऑल बी आर ए है, ऑल बी आर ए है, बट जब हम इस पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं और जब हम सम की बात करेंगे तो देखिए ए का जो ये पोर्शन है ओके वो बी में है। सम पोर्शन ऑफ ए इज अंडर बी, वो बी के अंडर में है, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी का फिगर हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी वाले केस या इसको एडवांस केस आप बोल सकते हैं, एडवांस केस में ये हमारा फिगर होगा, बट इन जनरल हमें हमेशा ये वाला फिगर ड्रॉ करना है। चलिए, ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट था। अब थर्ड स्टेटमेंट जो हमारा है उसे हम लोग वेन डायग्राम में कैसे यूज करेंगे वो देखिए। ये थर्ड स्टेटमेंट है नो ए आर बी, नो ए आर बी। जब हम लोग देख रहे हैं कि नो ए आर बी, इट मीन्स ए को हम लोग यहां लिखेंगे, ठीक है, और बी को हम लोग यहां लिखेंगे। ए और बी को हम लोगों ने अलग अलग लिखा, अब हमारा कोई भी ए का कोई भी पोर्शन बी में नहीं है। ओके, ए का कोई भी पोर्शन बी में नहीं है। जब हमारा चार पांच या छह स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है तो जब हम फिगर ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ऐसा कुछ फिगर हो, ऐसा कुछ फिगर हो, एक मिनट, मान लीजिए कि हम लोगों का मान लीजिए है कि ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, सम बी आर सी, नो ए आर डी, नो ए आर डी, तो हम लोगों ने डी को यहाँ लिखा। ठीक है, या फिर हमारा डी यहाँ से भी हो सकता है। ओके, लेकिन हमारा स्टेटमेंट दिया है कि नो ए आर डी, तो जब भी हम इस फिगर को ड्रॉ करेंगे तो इस फिगर से कुछ पता नहीं चल रहा है कि ए और डी के बीच क्या कनेक्शन है, तो हम हमेशा उस उन दोनों के बीच एक कनेक्शन को लाएंगे और एक लाइन से उन दोनों को कवर करेंगे। तो जब भी हम स्टेटमेंट का फिगर ड्रॉ करें नो वाले केस में, तो ए और बी को अलग ड्रॉ करेंगे और उनके बीच एक लाइन खींच देंगे और उसके ऊपर एक क्रॉस का निशान लगा देंगे जो हमेशा शो करेगा कि नो ए आर बी। यह हमारा थर्ड केस था, थर्ड स्टेटमेंट था। अब जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो हमारा है सम ए आर नॉट बी, ये हमारा फोर्थ स्टेटमेंट हो जाएगा, सम ए आर नॉट बी।
अब जब है ये सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ ए का पोर्शन बी नहीं है, उसका फी भी, उसका फिगर इन जनरल हम लोग कैसे बनाएंगे, ये वाला पोर्शन और उसमें ये वाला पोर्शन को हाईलाइट किया जाएगा, यानी ए का जो है कुछ पोर्शन वो बी में नहीं है, ठीक है। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन तो बी में है, ओके, बट ये जो पोर्शन है, जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा इंडिविजुअल है, वो बी के साथ अटैच नहीं है। चलिए, और ये हमारा बेसिक फिगर हो गया, ठीक है। इन जनरल हम लोग इसे ही यूज करेंगे। तो जब हम इसके पॉसिबल केस पे देखेंगे तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि देखिए ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। इसमें क्या है, सम ए आर नॉट बी हो भी सकता है, इनफैक्ट ऑल ए आर नॉट बी है, मगर जब हम पॉसिबल वाले केस में जाएंगे, ओके, पॉसिबिलिटी वाले केस में, तो हम इस तरह के फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं कि इसमें भी देखिए ए का कुछ पोर्शन तो बी में नहीं ही है, सारा पोर्शन नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ पोर्शन भी हमारा बी में नहीं है। अगर हमारा इस फिगर से क्लियर नहीं होता है तो देखिए ये हमारा बी हो गया और ये हमारा ए हो गया। अब इसमें जो ए का ये पोर्शन है, ठीक है, बाहर वाला जो पोर्शन हमारा ए का है, हम उस पे फोकस करते हैं और बताते हैं कि ए का जो ये पोर्शन है ये बी में नहीं है। देखिए बी के अंदर ए का कुछ पोर्शन है, बट ये जो पोर्शन हमारा बाहर का है, ओके, ये पोर्शन हमारा बी में नहीं है। तो इस तरह का फिगर भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं एडवांस लेवल पे, जहां हम लोग यहाँ देख के हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल बी आर ए बट सम ए आर नॉट बी। तो चलिए, हम लोगों ने अभी तक ये चार स्टेटमेंट और उनके फिगर्स को ड्रॉ करना सीख लिया है। अब हम उनके बेसिक्स क्वेश्चंस पे जाएंगे और पहले बेसिक को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो हाई लेवल पे होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक्स के क्वेश्चंस को। अब ये देखिए, ये हमारा स्टेटमेंट दिया गया है 1, 2, 3 और हमारे दो कंक्लूजन है। फिगर्स को ड्रॉ करके हमें बताना है कि ये ट्रू है, ये जो कंक्लूजन दिया हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, हम अपने फर्स्ट स्टेटमेंट में जाएंगे और मैं इसे स्टेप वाइज इसे ड्रॉ करूंगी। लिखा है सम अर्थ आर मून, तो अर्थ हम एक ड्रॉ करेंगे, ओके, और उसके, ओके, मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देती हूँ। सम अर्थ आर मून है, तो हम लोग एक अर्थ ड्रॉ करेंगे और उसके कुछ पोर्शन को मून में रखेंगे, ओके, बिकॉज सम अर्थ आर मून यहाँ बताया गया है। तो देखिए ये अर्थ का जो ये पोर्शन है वो हमारा मून में है। उसके बाद बोल रहा है सेकेंड ये में ऑल मून आर स्टार। अगर हम सेकेंड फिगर को ड्रॉ करें तो ये हमारा मून हो गया, ठीक है, और ये जो है ऑल मून आर स्टार, ओके, मून का ये सारा ही पोर्शन जो है वो स्टार में है, ऑल मून आर स्टार। और जो हमारा थर्ड फिगर है वो बता रहा है कि नो स्टार इज प्लैनेट, नो स्टार इज प्लैनेट, यानी कि स्टार और प्लैनेट के बीच में रिलेशन नहीं है। तो ये हमारा तीन फिगर ड्रॉ हुआ, और जब हम इसको कंक्लूड करेंगे और एक कंक्लूजन पे आएंगे तो हमारा इन तीनों फिगर को ड्रॉ करके एक ऐसा कंक्लूजन होगा, सम अर्थ आर मून, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून हुआ, ऑल मून आर स्टार, ये मून का सारा ही पोर्शन जो है वो स्टार में है, ओके। तो हम लोग स्टार को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सम अर्थ आर मून एंड ऑल मून आर स्टार। तो हम इस पोर्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं। बेसिकली जो हमारा बेसिक होता है वो इस फिगर को ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद है नो स्टार इज प्लैनेट, कोई भी स्टार हमारा प्लैनेट नहीं है। तो प्लैनेट को अलग से रखेंगे और स्टार और प्लैनेट के बीच हम लोग क्रॉस मार्क्स दे देंगे। यहाँ भी प्लैनेट को अलग रखेंगे और स्टार और प्लैनेट के बीच क्रॉस मार्क्स दे देंगे। ये हमारा फिगर हो गया स्टेटमेंट का। अब उसका जो कंक्लूजन हमें बताना है वो बता रहा है नो स्टार इज अर्थ। फर्स्ट कंक्लूजन बोल रहा है कि कोई भी स्टार जो है वो अर्थ नहीं है। तो इस फिगर को देखिए, इसमें स्टार कहाँ है, ये वाला पोर्शन स्टार है, तो कोई भी स्टार अर्थ नहीं है। क्या ये यहाँ पे सही है,
कोई भी स्टार अर्थ नहीं है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ स्टार का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा अर्थ में आ रहा है स्टार का। इनफैक्ट ये पूरा ही पोर्शन हमारा अर्थ में आ रहा है। इसमें भी देखिए, ये वाला पूरा पोर्शन हमारा अर्थ में आ रहा है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो फॉल्स हो गया, नो स्टार इज अर्थ, ये हमारा कंक्लूजन फॉल्स हो गया, रॉन्ग हो गया। चलिए सेकेंड कंक्लूजन को देखते हैं, ऑल मून आर अर्थ। ऑल मून आर अर्थ, देखिए यहाँ भी ये सम मून आर अर्थ हो रहा है, ओके, सम मून आर अर्थ हो रहा है, मून का ये पोर्शन अर्थ में जा रहा है, मगर मून का सारा पोर्शन क्या अर्थ में है? मून का सारा पोर्शन अर्थ में नहीं है, इसलिए हमारा ये कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाएगा। दोनों ही कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम के क्वेश्चंस को देखेंगे और उस पूरे एक सेट को बनाएंगे। ये हमारा बेसिक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चंस है, सिलॉक्स के ये बेसिक्स क्वेश्चंस है। आज हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके पॉसिबिलिटी और इधर और केसेस को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट में दिया गया है नो ट्वाई इज अ बॉल, तो ट्वाई को हम लोग ड्रॉ करेंगे और बोल रहे हैं नो ट्वाई इज अ बॉल, तो हमारा ट्वाई यहाँ हो जाएगा और बॉल यहाँ हो जाएगा। अब इस ट्वाई और बॉल के बीच में कोई भी कनेक्शन हमारा नहीं बता रहा है। उसके बाद है ऑल गन्स आर ट्वाइज, यानी कि सारा का सारा गन हमारा क्या है? ट्वाई है। तो गन हमारा कहाँ हो जाएगा? यहाँ ट्वाई के अंदर हो जाएगा, बिकॉज ऑल गन्स आर ट्वाई बोल रहा है। अब गन का जो ये सारा पोर्शन है ये क्या हो जाएगा? ट्वाई में आ जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट हमारा है ऑल हाउसेस आर डॉल, ऑल हाउसेस आर डॉल है। अब देखिए यहाँ ना हाउस है ना डॉल है, तो हाउसेस और डॉल को हम लोग बाहर बनाएंगे, तो ऑल हाउसेस और डॉल है, तो ये हमारा हाउस हो गया, ओके, और ये हमारा डॉल हो गया। इसमें बोल रहा है कि हाउस का सारा पोर्शन जो है, ये जो सारा पोर्शन है, ये हमारा किसमें हो जाएगा? डॉल में चला जाएगा। और बोल रहा है ऑल डॉल आर बास्केट, यानी कि ये जो डॉल है ये सारा का सारा डॉल किसमें है? बास्केट में है, बास्केट में है। तो ये जो सारा डॉल का पोर्शन है सारा ही, वो किसमें है? बास्केट में है, ठीक है। ये सारा का सारा डॉल का पोर्शन किसमें है? बास्केट में है। ये हमारा स्टेटमेंट ड्रॉ हो गया। अब इसके हम लोग कंक्लूजन को देखते हैं। कंक्लूजन में बोल रहा है ऑल बास्केट आर ट्वाइस। अब देखिए बास्केट हमारा यहाँ है, ट्वाई हमारा यहाँ है, क्या इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन है? तो कोई भी कनेक्शन यहाँ नहीं दिख रहा है। इट मीन्स जो है ये कंक्लूजन जो है हमारा रॉन्ग है, क्योंकि इस कंक्लूजन में बोल रहा है कि ऑल बास्केट आर ट्वाइस। जब ये ऑल बास्केट आर ट्वाइस बोल रहा है, तो हमारा फिगर में जो है बास्केट यहाँ होना चाहिए और ट्वाई को उसके बाहर होना चाहिए, मगर यहाँ देखिए हमारा कोई भी कनेक्शन ट्वाई और बास्केट के बीच में नहीं है, इसलिए हमारा ये जो इस कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड कंक्लूजन है नो गन इज अ हाउस, यानी कि गन का कोई भी पोर्शन हाउस नहीं है। तो देखिए गन और हाउस के बीच में कोई भी इंटरकनेक्शन यहाँ नहीं बन पा रहा है। गन हमारा दूर है और हाउस भी हमारा दूर है, यानी कि हमारा जो फिगर होना चाहिए इस तरह का, कुछ इस तरह का ही फिगर हम लोगों का स्टेटमेंट के थ्रू ड्रॉ हुआ है। तो हमारा ये जो कंक्लूजन है ये सही हो जाएगा। जो हमारा थर्ड कंक्लूजन है उसमें बोल रहा है नो डॉल इज अ गन, यानी डॉल हमारा यहाँ है, गन हमारा यहाँ है, अगेन कोई इंटरकनेक्शन नहीं है, तो ये कंक्लूजन भी हमारा सही हो जाएगा। और जो हमारा फोर्थ कंक्लूजन है वो बोल रहा है ऑल हाउसेस आर बास्केट, तो देखिए हाउस यहाँ है बास्केट यहाँ है, तो हमारा जो फिगर, अगर हम लोग इसे स्टेटमेंट मान के अगर हम फिगर बनाते, तो ऑल हाउसेस आर बास्केट कुछ इस तरह का ही फिगर बनता और कुछ इस तरह का ही फिगर यहाँ भी है, तो हमारा कंक्लूजन जो है ये कंक्लूजन भी सही हो जा रहा है, यानी कि इसमें कंक्लूजन वन जो है वो रॉन्ग हो जा रहा है। चलिए ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन था। अब इसके हम दूसरे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को देखेंगे। स्टेटमेंट में बोल रहा है नो होटल इज मोटल, यानी होटल और मोटल के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो हम लोगों ने ऐसे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद बोल रहा है ऑल मोटल्स आर अपार्टमेंट, यानी सारा का सारा मोटल क्या है?
अपार्टमेंट है, तो उसे हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब बोल रहा है ऑल अपार्टमेंट्स आर इन, यानी कि सारा का सारा अपार्टमेंट क्या है, वो इन है। और बोल रहा है नो इन इज अ गेस्ट हाउस, यानी कि यहाँ अगर हम गेस्ट हाउस को ड्रॉ करते हैं तो इन और गेस्ट हाउस के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये हमारा फिगर ड्रॉ हो गया। इसमें देखिए ऑल मोटल्स आर अपार्टमेंट हो रहा है, ऑल अपार्टमेंट आर क्या हो जा रहा है, इन हो जा रहा है, और नो इन इज अ गेस्ट हाउस हो जा रहा है। ये हमारा स्टेटमेंट था। चलिए इसके कंक्लूजन को देखेंगे। कंक्लूजन में बोल रहा है नो मोटल इज अ गेस्ट हाउस, तो हमारा मोटल यहाँ है और गेस्ट हाउस यहाँ है, इन दोनों के बीच कोई इंटरकनेक्शन नहीं है, तो हमारा ये स्टेटमेंट कंक्लूजन जो है वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फिगर है उसमें भी कोई इंटरकनेक्शन नहीं दिख रहा है हमारा मोटल और गेस्ट हाउस के बीच में। सेकेंड जो हमारा कंक्लूजन है वो बोल रहा है ऑल हाउ होटल आर इज अपार्टमेंट, यानी कि सारा का सारा होटल क्या है, अपार्टमेंट है। तो देखिए यहाँ हमारा कोई भी इंटरकनेक्शन जो है होटल और अपार्टमेंट के बीच नहीं है, तो हमारा ये कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड कंक्लूजन हमारा है नो मोटल इज एन इन, यानी कि मोटल का कोई भी पोर्शन जो है वो इन नहीं है। तो क्या मोटल का कोई भी पोर्शन इन नहीं है, तो यस मोटल का सारा पोर्शन ही इन में है, तो ये कंक्लूजन भी हमारा रॉन्ग हो जा रहा है। और फोर्थ कंक्लूजन है हमारा नो गेस्ट हाउस इज अ अपार्टमेंट, तो ये हमारा सही हो जा रहा है, क्योंकि गेस्ट हाउस हमारा बाहर है, अपार्टमेंट हमारा बाहर इधर है, तो इन दोनों के बीच भी कोई इंटरकनेक्शन नहीं है, तो हमारा ये कंक्लूजन ट्रू हो जा रहा है। यानी कि इसमें टू इस कंक्लूजन हमारे सही हो रहे हैं और दो कंक्लूजन हमारे रॉन्ग हो जा रहे हैं। ये सिलॉक्स का जो है ये बेसिक्स पॉइंट्स था। आई थिंक आप लोगों ने इसे समझा होगा। अब जो नेक्स्ट स्टेज पे हम लोग आएंगे वहाँ हम लोग इसके पॉसिबिलिटी वाले केसेस को देखेंगे। थैंक यू।